हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए रेगुलरली जब मैं न्यू वीडियोज डालती हूँ तब। और साथ ही साथ आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स प्योर क्रिस्टल विद सर्टिफिकेट एनर्जाइज होकर आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से तब आपको सेंड करे जाते हैं। तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहीं पर मैंने रीडिंग अपना नंबर पोस्ट करा है। उसके अलावा कमेंट्स में मैं कभी अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज अलर्ट रहें फ्रॉड लोगों से। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी गाइस, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो और जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। और जब मैं कार्ड शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस गाइडेंस मिल सके। ये रीडिंग वन साइडेड लव या फिर अगर आप सेपरेशन मोड में हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उन सभी सिचुएशन में रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, इस रीडिंग को कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट हो। अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम आप तीन बार भी ले सकते हो। लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। This is Page of Pentacles, ठीक है, okay, Four of Swords, Tower, Eight of Cups, Ace of Cup, Temperance, फोर ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर जो जोरियक साइंस मुझे देखने को मिल रहे हैं इस कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस हो गया जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो गया, एरीज लियो सजिटेरियस हो गया एंड कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यानी सभी जोरियक साइंस के लिए रीडिंग है। सभी जोरियक साइंस के रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हो। मेरी रीडिंग्स कभी भी स्पेसिफिक जोरियक बेस नहीं होती हैं, सभी जोरियक साइंस के लिए होती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो एनर्जीज देख रहे हैं हम, टावर की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल है, फोर ऑफ सोर्ड्स है, एट ऑफ कप है, हर्मिट जैसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है, फोर ऑफ वैंड, टेम्परेंस। ओके, अब दो सिचुएशन में मुझे आपके रिलेशनशिप नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे आपका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक नजर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर काफी आप इनसिक्योर हो, इरिटेटेड आप फील करते हो। स्पेशली अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आपके पार्टनर ऑलरेडी हो सकता है कि मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है उनकी, और आप सिंगल हो। ठीक है, और आपको हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है कि आपके पार्टनर कहीं थर्ड पार्टी के पास वापस ना चले जाएं या थर्ड पार्टी के साथ ही मतलब उनका कनेक्शन रहे, आपसे वो कनेक्शन तोड़ ना दे। तो एक इनसिक्योरिटी, एक पोजेसिवनेस आपको हमेशा रहती है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टावर की एनर्जी जो मुझे देखने को मिल रही है आपकी इनसिक्योरिटी ये मुझे दिखा रही है, आपकी लाइफ में पोजेसिवनेस मुझे यहाँ पर ये शो कर रही है। ठीक है, जिस वजह से आप परेशान रहते हो, आपको ना इस पर्सन का एडिक्शन हो चुका है लिटरली। अगर मैं देखूं यहाँ पर, आप इस पर्सन के बारे में सोचे बिना ना रह नहीं सकते हो। आप मतलब सुबह उठते हो तो इस पर्सन के बारे में सोचते हो, रात को सोने से पहले आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आप कहीं ना कहीं मतलब ये पर्सन आपके ख्यालों में, आपके दिमाग में घूमता ही रहता है। ठीक है, सो और कहीं ना कहीं अगर आप इस पर्सन ने आपके साथ कट ऑफ करा है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी अगर इस पर्सन ने आपको दी है ना, तो आप लिटरली अंदर से इनसिक्योर हो कि कहीं इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई है।
ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी के लिए श्योर नहीं हो तो भी आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि हाँ वाकई में कहीं इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई है, कोई और तो नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, तो उस चीज़ का डर आपके दिल में है। ठीक है, और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो आप इस चीज़ के भी लिए भी डर रहे हो कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन कहीं अच्छा तो नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ वो कहीं खुश तो नहीं है और आपको भुला तो नहीं रहे हैं, आपको भूल तो नहीं जा रहे हैं, भूले तो नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस शख्स ने चाहे आपको ऑफ दे दिया हो, इस शख्स ने चाहे आपसे बात बंद कर दी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन का आप वेट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आज भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, जबकि इस पर्सन ने आपको कोई होप्स नहीं दी हैं, इस पर्सन ने आपको नहीं कहा है कि भाई तुम मेरा इंतजार करो, लेकिन फिर भी आपके पेशेंस को मानना पड़ेगा क्योंकि आप इस पर्सन का वेट आज भी कर रहे हो। ठीक है, चाहे आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को कितना ही वक्त क्यों ना गुजर गया हो, आप आज भी स्टक्ड फील कर रहे हो, आज भी बैक ऑफ द माइंड आपके पर्सन आपके दिमाग में घूमता ही रहता है। ऑन सेकेंड सिचुएशन सिर्फ आपके साथ ही ऐसा नहीं है, आप दोनों मतलब ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप दोनों के साथ ना एक कॉर्ड अटैच है। ठीक है, और वो आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, चाहे इस फिजिकल वर्ल्ड में आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से मतलब कटे कटे रह रहे हो, ठीक है, इग्नोर कर रहे हो एक दूसरे को, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आप आज भी कनेक्टेड हो। आप भी बैक ऑफ द माइंड अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, वो भी बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में सोचते हैं, आप भी आज तक गिवअप नहीं कर पाए हो उस रिलेशनशिप को और वो भी आज तक इस रिलेशनशिप को गिवअप नहीं कर पाए हैं। ओके, काफी कोडिपेंडेंसी में यहाँ पर देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में, यानी काफी कोडिपेंडेंसी रही है आपकी तरफ से अपने पार्टनर को, यानी आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे हो हर चीज के लिए। ठीक है, हर चीज के लिए, अगर उनके एक्शंस उनके बिहेवियर आपको खुश करते थे, आपको उदास करते थे, ठीक है, तो एक कोडिपेंडेंसी आपकी तरफ से रही है, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, एंड फोर ऑफ वैंड है, टेम्परेंस है, चीजें इम्बैलेंस तो चल रही हैं बिल्कुल मुझे दिख रहा है। एट ऑफ कप की एनर्जी है, अपने पार्टनर के कंपैरिजन में तो आप बहुत इमोशनल हो। ठीक है, आपके पार्टनर हैं बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल और आप हो हाईली इमोशनल पर्सन। ठीक है, आपके पार्टनर की इस समय जो प्रेजेंट एनर्जीज को अगर देखा जाए ना तो मुझे एट ऑफ कप दिख रहा है, हर्मिट की एनर्जी दिख रही है। देखो वो भी एक नेगेटिव एनर्जीज में मुझे घिरे हुए दिख रहे हैं, मे बी उनके आसपास भी बहुत परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, नेगेटिव हैं। जब कोई शख्स ज्यादा नेगेटिव हो जाता है तो उसकी थिंकिंग भी नेगेटिव ही हो जाती है ना, तो ये पर्सन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि इसके आसपास ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड इट्स दैट एनर्जी जहां पर इनकी थिंकिंग भी इस समय बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इस रिलेशनशिप को भी लेकर चीजें बहुत नेगेटिव हैं इनके अंदर ना। अगर ये वापस भी आपके पास आना चाहते हैं ना, कम बैक करना चाहते हैं, तो इनके अंदर वो करेज वो स्ट्रेंथ ही नहीं है मैं कहूंगी कि आपको फेस करने की। इतना कुछ गलत करके गए हैं ना ये आपके साथ, इतना उदास इतना दुखी आपको करके गए, इतना पेन दिया इतना रुलाया आपको इस शख्स ने, आपने इस शख्स की वजह से जबकि इतना सैक्रिफाइस करा, आप बिल्कुल प्योर और ऑनेस्ट रहे थे इस पर्सन के साथ, लेकिन इन्होंने इतना गलत बिहेवियर इतना गंदा बिहेवियर आपके साथ दिखाया है ना कि लिटरली अब इनको हिम्मत ही नहीं है कि आकर आपको फेस कर ले। ठीक है, एंड सो बहुत नेगेटिव हो रखे हैं इस टाइम पर, इनकी एनर्जी जो देखी जाना बहुत नेगेटिव है, एग्जॉस्टेड है आपके पार्टनर, ये आपसे एक और चांस तो चाहते हैं बट इनमें हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है कि ये आपको फेस कर सके। ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है कि इन पर किसी ने कुछ स्पेल करा है, ब्लैक मैजिक करा है, ठीक है, नेगेटिविटी है किसी तरीके की, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, यू नो व्हाट एंड यस ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ लिटरली किसी तरीके की नेगेटिविटी भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। और इसका साइन सबसे बड़ा पता है क्या होता है, आपके पार्टनर के साथ क्या चीज़ हो रही है ना, वो रात को उठ के बैठ जाते हैं तो देर रात तक सोएंगे बहुत देर देर रात तक, या तो उन्हें नींद आएगी जाकर, ठीक है, या पूरी रात नींद ही नहीं आएगी, और अगर नींद आएगी तो 3 से 4 बजे का टाइम ऐसा होगा जहां पर ये पर्सन उठ कर बैठ जाएंगे। ठीक है, इनको या तो कोई बहुत डरावने सपने आ रहे हैं आजकल, या इनको कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं कि आप इनसे अलग हो रहे हो, आप इनसे जुदा हो रहे हो। ठीक है, और मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर किसी तरीके का हेल्थ इशू भी इनको हो सकता है, वो भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सब किस लिए है, ये सब इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर अगर कुछ नेगेटिविटी करी गई है ना तो इनके साथ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, अगर इनके ऊपर किसी तरीके की नेगेटिविटी है ना तो इनके साथ जो एक सबसे कॉमन चीज़ हो रही होगी ना वो ये है कि 3 से 4 बजे के बीच सुबह
3 AM to 4 AM के पीछे उठते जरूर होंगे, ठीक है, इनकी आंखें जरूर खुलती होंगी, ठीक है, और उस समय भी कहीं ना कहीं या तो ऐसा भी होता है कि कुछ डरावना सपना देखकर एकदम से आंख खुल जाना या एकदम चीख कर उठना, ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, दैट व्हाट आई कैन सी हियर, ठीक है। आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो इस कनेक्शन में, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ हर्मिट की एनर्जी है, तो आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो, स्पिरिचुअलिटी गॉड में बिलीव आपका बढ़ चुका है, एंड यस काफी स्पिरिचुअलिटी, प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, एंड यू, मैं एक चीज आपको और बताऊं इज दैट जो आपका ये कनेक्शन टिका हुआ है ना, ठीक है, देखो आप दोनों के बीच में कट ऑफ हो चुका है, ठीक है, आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज है जो आप दोनों को बांधे हुए एक दूसरे से, और वो इतनी नेगेटिविटी होने के बाद वो क्या चीज है जो बांधे हुए, वो एक पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है, वो पॉजिटिविटी आ रही है आपकी प्रेयर से, आपकी मन्नतों से, आपकी पूजा पाठ से, आपके मैनिफेस्टेशन से, ठीक है, इन चीजों से आ रही है, ठीक है, जो आप दोनों को आज भी जोड़े हुए है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लाइक इस वर्ल्ड में चाहे आप कनेक्टेड नहीं हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन एनर्जेटिकली आप दोनों आज भी कनेक्टेड हो, ठीक है, एनर्जेटिकली आज भी कनेक्टेड हो आप लोग, ये चीज समझो, ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो दिस इज माइंड, माइंड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ग्रेट, पॉलिटिक्स, क्रिएटिविटी, इन अ वॉइस, पेशेंस, सेलिब्रेशन, ट्रैवलिंग एंड बॉटम में यहां पर बर्डन की एनर्जी है, ठीक है। यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं ना इज लाइक दिस, देखो इस पर्सन का माइंड में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं बार बार, ठीक है, आपको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं इस पर्सन को, बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और नेगेटिव ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक है ना कि इनके अंदर डर बहुत है, तो वो डर का बार बार ये सामना कर रहे हैं, इनके साथ ये चीज हो रहा है, इनको बार बार लग रहा है कि आप तो इनसे दूर जा रहे हो, आप किसी और के हो रहे हो, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ रही है, आप इनसे अटेंशन नहीं दे रहे हो तो जरूर आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, आप पता नहीं इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, अगर ये आकर आपसे माफी मांगेंगे तो कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप हमेशा के लिए इनसे बात बंद ना कर दो, तो बहुत नेगेटिव थॉट्स इनको परेशान कर रहे हैं बार बार, ठीक है, इनके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स इन्हें आ रहे हैं बार बार, ये ज्यादा दिन तक देखो आपसे अलग नहीं रह पाएंगे, ठीक है, चाहे ये कितने लॉजिकल कितने प्रैक्टिकल क्यों ना बन कर रहे हो, बट ये ज्यादा दिन तक आपसे अलग नहीं रह पाएंगे, ठीक है, इनका भी ना एक वीक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब इनको लगेगा कि नहीं भाई अब मैं उससे बात करे बिना नहीं रह सकता हूँ, और तब ये आपको एकदम से कॉल कर देंगे, एकदम से आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है, अभी तो क्या हो रहा है ना, अभी तो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, अभी तो ऐसा हो रहा है कि अगर इनके दिल में ख्याल भी आता ना कि मैं बात कर लूँ उससे, मैसेज कर दूँ, तो अपनी उस फीलिंग को, अपने उस थॉट को ही सप्रेस कर देते हैं ये खुद, अभी तक तो जब तक लॉजिकल होकर चल रहे हैं ना अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, जब हाईली इमोशनल हो जाएंगे ये अपने आप आपको कॉल करेंगे, अपने आप आपसे बात करेंगे, ये रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता, ठीक है, ये आपसे दूर रहकर यूं उदास रहकर बिल्कुल दुखी हो गए, पेशेंस एंड इनर वॉइस की एनर्जी, इनकी अंतरात्मा, वो होता है ना कि हम कभी कुछ गलत करते हैं ना तो हमारी जो एक अंतरात्मा है वो हमें बार बार झिझोड़ती है कि भाई तूने कुछ गलत करा है, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुझे उससे जाकर माफी मांगनी चाहिए, यही चीज उनके साथ हो रही है, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, ठीक है, आपको ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी तो डिमांड कर रहे थे उनसे, आप लॉयलिटी तो चाह रहे थे बस उनसे, ठीक है, और वो भी आपको नहीं दे पाए, आपके साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पाए, तो अब इनका क्या हो रहा है, इनका अंतरात्मा इनको बार बार ना झिझोड़ रही है कि भाई तूने कुछ गलत करा, ठीक है, तुझे उसके पास जाना है, उससे माफी मांगनी है, ठीक है, तो ये वापस आना चाहते हैं आपके पास और आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, इमोशनल, हाईली इमोशनल आपको लेकर ये फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत पेशेंस रखा है आपने, ठीक है, आज भी आप वेट कर रहे हो, आप भी आज पेशेंस की एनर्जी में मुझे आप नजर आ रहे हो, आज भी आप इंतजार कर रहे हो कि पर्सन आपको अप्रोच करें, ठीक है, आपने काफी हद तक चीजें ना डिवाइन हाथों में सरेंडर कर दी हैं, आपने डिवाइन के हाथों चीजें छोड़ दी हैं कि अब जैसी डिवाइन की मर्जी, राइट, तो आपने काफी हद तक चीजें डिवाइन के हाथों में छोड़ दी हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप आज भी वेट कर रहे हो कि पर्सन आए और आपसे माफी मांगे, ठीक है? तो यार स्टिल पेशेंस की एनर्जी में मुझे आप नजर आ रहे हो, क्योंकि आपने बहुत बहुत प्यार करा है शख्स से और आप गिव अप नहीं कर सकते उस रिलेशनशिप पे. आपके लिए इजी नहीं है गिव अप करना, आपके लिए इजी नहीं है इस पर्सन को भुला देना, ठीक है? तो ऐसी भी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहाँ पर इट्स नॉट इजी. बट आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना तो दे आर इन बर्डन, ठीक है? वो किसी तरीके के बर्डन पे हो सकते हैं, ठीक है? एंड यस, ये किसी तरीके का भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हो सकता है, वर्क प्रेशर हो सकता है, ठीक है? बट दे आर बर्डन, बर्डन की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, ठीक है? और ये थर्ड पार्टी का भी स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. अगर कोई इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट कर कर रह रहे हैं. थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इन पर बोझ बनी हुई है, ये थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते हैं. मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, बट ये रहना नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? इनको एहसास हो चुका है कि जो हैप्पीनेस उन्हें आपके साथ मिलती है, जो सुकून उन्हें आपके साथ मिलता है, जो कंपैटिबिलिटी उनकी आपके साथ है, वो इनकी थर्ड पार्टी के साथ है ही नहीं. और ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बर्डन, एक बोझ बनी हुई है, ओके? ये सिर्फ उनके साथ वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में गलत डिसीजन लिया थर्ड पार्टी की तरफ जाने का, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने उस डिसीजन को बदल नहीं सकते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज करते हुए, एडजस्ट करते हुए बस वहां रह रहे हैं, पर ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ओके? सो और भी चेकआउट करते हैं. ये पर्सन यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो पॉलिटिक्स की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की भी एनर्जी है. वन सेकेंड, ठीक है? इट बेसिकली शोज इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है? बहुत माइंड गेम्स खेले हैं इस पर्सन ने आपके साथ, बहुत झूठ भी बोले. एंड ये पर्सन सच आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, कोई भी कोई ट्रुथ है जो ये आपके साथ लिटरली कन्फेस करना चाहते हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय और क्या सोच रहे हैं. वाओ, फोर ऑफ वैंड्स, ओके, आप देख रहे हो, ठीक है? सो दिस इज टू ऑफ कप, आप देख रहे हो ना फोर ऑफ वैंड की एनर्जी. यही सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या दिख रहा है आपको, बताओ मुझे क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में? यही चीज सोच रहे हैं आपके पार्टनर, शादी करने का आपसे. उन्हें ऐसे, अगर वो किसी और से शादी कर चुके हैं ना आपके पार्टनर, मैं आपको बताऊं कि अगर वो किसी और से शादी कर चुके हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अगर उनका है, या फैमिली प्रेशर में आकर किसी और से शादी कर रहे हैं, ठीक है? तो वो अफसोस हो रहा है उनको उस चीज पर. उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे शादी करते ना तो शायद आज वो बहुत खुश होते, हैप्पी होते, ठीक है? अगर कोई थर्ड पार्टी भी है ना तो उनके साथ उनका रिश्ता ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत फाइट्स हो रही है उनकी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? प्लीज डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ उनका कैसा रिश्ता है, प्लीज डिवाइन ये क्लैरिफाई करें. सो हायरोफेंट, ठीक है? अरेंज मैरिज दिख रही है यहाँ पर मुझे, ठीक है? टेन ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है यहाँ पर, एंड दिस इज किंग ऑफ कप. देखो, खुद देख लो, ठीक है? अब यहां पर भी आप देखोगे ना तो अगर कोई थर्ड पार्टी है ना इनकी लाइफ में, ठीक है, हो सकता है इन्होंने फैमिली प्रेशर में आकर किसी और से शादी करी है, ठीक है? मे भी हो सकता है इनकी फैमिली, अच्छा इनकी फैमिली जो मुझे नजर आ रही है ना, इनकी फैमिली बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, यानी इट्स दैट एनर्जी जहां पर इनकी फैमिली को जहां बेनिफिट्स दिखते हैं, जहां प्रॉफिट्स दिखते हैं, जहां ज्यादा पैसा दिखता है, वो उन चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है? सो अब इनके साथ क्या है कि इनकी फैमिली ने किसी और को इनके लिए चूज करा. इनकी फैमिली ये चाह रही थी ये लव मैरिज ना कर अरेंज मैरिज करे. दिस इज लव मैरिज, दिस इज अरेंज मैरिज, ठीक है? तो इनकी फैमिली कह रही थी कि आप अरेंज मैरिज करो, ठीक है? आप लोग डिफरेंट कास्ट के भी हो सकते हो, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर ये एनर्जी क्रिश्चियन एनर्जीज है, ये हिंदू एनर्जी है, तो डिफरेंट कास्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, दिख रहा है आपको? तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं, और उनकी फैमिली चाहती थी कि वो सेम बिरादरी में, सेम जगह, सेम कास्ट में, सेम रिलीजन में, सेम स्टेटस के पर्सन से शादी करें, ठीक है? तो उनकी फैमिली इश्यूज भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में रहे हैं. एंड हो सकता है उन्होंने फैमिली प्रेशर में आकर कहीं और शादी के लिए हाँ कर दी है, कहीं और शादी कर ली है, ठीक है? आप परेशान हो इस चीज से कि ये पर्सन जब इतना प्यार आपसे करता है, ठीक है, इतना आप वीडियोज, टैरो रीडिंग्स में भी आप इतना जब सुन रहे हो कि आपने, या किसी से अगर पर्सनल रीडिंग्स भी ली है तो भी आपको यही बताया गया है कि हाँ ये पर्सन बहुत प्यार करता है, तो भी आप जानना चाहते हो कि आखिर फिर ये पर्सन ने किसी और से शादी कर कैसे ली, है ना? तो ये इन्होंने इसलिए शादी कर ली क्योंकि इनके ऊपर एक्चुअली में फैमिली का प्रेशर है,
ठीक है, इनके ऊपर सच में फैमिली का प्रेशर है और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाए। ये अब इससे शादी करने के बाद भी वहां पर रिश्ता कोई खास अच्छा नहीं है, इनका अकेले है ये, ठीक है। पुराने दिनों को याद करते हैं आपके साथ, पुराने वक्त को याद करते हैं, ठीक है। सो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है, अफसोस करते हैं इस चीज का कि काश उन्होंने आपके साथ शादी करी होती तो शायद आज वो खुश होते, हैप्पी होते आपके साथ। जितने सपने आपने इस रिश्ते के लिए देखे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि उतने ही सपने इस पर्सन ने भी आपके साथ देखे हैं, ठीक है। उन एक्सपेक्टेशंस को ये भी आपके साथ पूरा करना चाहते थे, लेकिन ये मजबूरियां, ये सिचुएशन नहीं करने दे रही थी आपके पास, चाहते हुए भी ये नहीं आ पाए। और अब इनकी ऐसी एनर्जी है, वापस आना चाहते हैं ये, पर किस मुंह से आए? स्पेशली अगर कहीं और शादी कर ली है तो आकर क्या कहें आपको कि भाई मैं वहां खुश नहीं हूं, ठीक है। आप यकीन करोगे उनके ऊपर? ये डर भी तो है उनको फिर, ठीक है। तो ये चीज समझो, ये आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको कहीं हॉलीडेज पर कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक अजीब सा अटैचमेंट इनको फील हो रहा है आपके लिए, ठीक है। आपको लेकर बहुत बहुत अजीब सा अटैचमेंट इन्हें फील हो रहा है, इन्हें ऐसे लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है ना वो गलत हुआ है और उन चीजों के लिए अफसोस भी हो रहा है इनको, ओके। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर सोच रहे हैं उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। रोल द डाइस, ओके। सो यस, यहाँ पर क्या है, एक्स लवर, दिस इज लिक्विड करेज, साइंस एंड स्क्रिनोसिटीज, मास्क, फ्रेंड्स, सोलमेट्स एंड बॉटम में सोशल मीडिया, ठीक है। तो यस ऑफकोर्स, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। इन्हें ना मतलब इन्हें ना आदत थी आपके साथ अपने अच्छे बुरे हर चीज को शेयर करने की, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट रहने की, ठीक है। एंड लिटरली जो अब आप इनके पास नहीं होना, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए, ठीक है। आपके साथ एक सिर्फ एक प्यार भरा रिश्ता ही नहीं था उनका, बल्कि एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी थी आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों कभी एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं थे। आप दोनों एक दूसरे से अपनी छोटी बड़ी हर चीज, अच्छी बुरी हर चीज आप शेयर करते थे, यू नो। एंड उन्होंने आपके अंदर सिर्फ एक प्यार को ही नहीं खोया, बल्कि एक अच्छे दोस्त को भी उन्होंने खो दिया, जिसका बहुत अफसोस है उनको, ठीक है। और लिटरली उनको ना आपको खोने का बहुत दर्द होता है, रोते हैं ये पर्सन अकेले में, ठीक है। जितना दिल आपका टूटा है ना, उतना ही दिल इनका भी टूटा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में गॉड गिफ्ट थे, आप उनका सोलमेट थे, आप उनका ट्विन फ्लेम थे और उन्होंने आपको ही खो दिया, ठीक है। आप पता नहीं आपको कभी ये पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे, तो एक वो एनर्जी भी यहाँ पर है। इनको बार बार ना डिवाइनली गाइडेंस मिलती है कि इन्हें आपके से आकर माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। बहुत रिग्रेट, सॉरी फील करते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो इनको डिवाइन गाइडेंस मिलती है कि बार बार आए और आपके साथ रिलेशनशिप को सही करें, ठीक है। आपको कुछ सरप्राइज भी मिल सकता है, एकदम से हो सकता है आपसे आकर बात करें, बिकॉज इस पर्सन को काफी साइंस ऐसे मिल रहे हैं कि इन्हें आपसे कन्फेस करना चाहिए अपनी फीलिंग्स, आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर इन्होंने अभी तक आपको लाइक कमिटमेंट नहीं दी है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं दी है, तो देनी चाहिए। जिस भी चीज़ को आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको देनी चाहिए। एंड लिटरली इनको बार बार ऐसे डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, अंदर से इनकी फीलिंग्स, इनकी गट फीलिंग्स, इनकी सिक्स्थ सेंस इनको बार बार आपकी तरफ एक खिंचाव फील करवा रही है, ठीक है। एंड यस ऑफकोर्स, तो ये पर्सन आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं पर्सन। यहाँ पर भी एनर्जी देखे ना, तो देखो कमी यहाँ पर भी करेज की ही दिख रही है। रोल द डाइस पर ये रिस्क लेंगे, ठीक है। अगर इनमें चाहे इतनी हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, बट ये पर्सन फिर भी रिस्क लेंगे, ठीक है। ये सरप्राइजिंगली हो सकता है आपके पास आए, ये अपने इमोशंस को और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तक प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, पर और ज्यादा नहीं, ठीक है, और ज्यादा नहीं। ये खुद स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, कुछ रिस्क लेना चाहेंगे आपसे बात करने का, ये सोचते हुए कि अब जो होगा सो होगा, एंड सिर्फ आपसे बात करनी है, सिर्फ आपसे चीजों को क्लियर करना है। क्लियर टॉक भी हो सकता है आपको दें, राइट, ब्यूटिफुल। स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया की एनर्जी है, स्टॉक भी हाईली कर रहे हैं पर्सन। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के
तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो सबसे पहले यहाँ पर है, आप यकीन करो चाहे नहीं करो, पर मैं आप तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे वो कहना चाहते हैं कि पहली और आखिरी चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो तुम्हारा नाम है। मैं तुम्हें अपनी रियल साइड, अपनी इमोशनल साइड, अपने जज्बात दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए वैसा प्यार नहीं रहा है जैसा पहले था। ठीक है, हर दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और मैं अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता हूँ अपनी स्माइल में। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारे साथ अब प्यार को मैं निभाना चाहता हूँ, लाइफ लॉन्ग निभाना चाहता हूँ। ये उनके मैसेजेस हैं आपके लिए, ये बातें हैं जो वो आपसे जनरली कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके जज्बात हैं ये। राइट, सो सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे तो आज की रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी पॉजिटिव रही। अगर आपके साथ भी इतनी ही अच्छे से रेजोनेट करी है तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को क्लेम करने के लिए आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय एंड डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।